मैं हूं पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 7 बजे और मैं गार्डन में आ गई हूं अपने, क्योंकि आज सुबह बारिश हुई और मौसम अच्छा था। आज मैं थोड़ा सा टाइमली उठी थी तो मैं इसलिए सुबह यहाँ पर भी 7 बजे आपको अपने गार्डन में मिल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बरसात का सीज़न चल रहा है, मानसून सीज़न, उससे रिस्पेक्ट में हमारे गार्डन में काफ़ी सारे चेंजेस भी होते हैं और हमें काफ़ी सारी चीज़ें अपने गार्डन में करनी पड़ती हैं जो कि ज़रूरी हो जाती है मौसम के हिसाब से। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें आज इस वीडियो में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलती है आपकी सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से, और अपनी और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं इस कॉर्नर में लेके चलो। यहाँ पे आपको पता होगा, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने रोज़ेस रखे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, और इनमें छोटे गमलों में इनको लगा रखा है और ये पीछे की तरफ स्टैंड में यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसा कि बरसात का सीज़न चल रहा है और अभी आने वाले सीज़न में रोज़ेस का सीज़न आएगा, और अभी फ़िलहाल मेरे तो गार्डन में सारा साल रोज़ेस लगते ही रहते हैं, बट सर्दियों में जो रोज़ लगते हैं उनकी क्वालिटी अलग होती है इनसे, क्योंकि वो उनका सीज़न होता है तो ऑफकोर्स इस सीज़न में अच्छी लगती हैं वो चीज़ें। ये भी देखो, येलो कलर का फ्लावर था, येलो एंड पिंक सा, तो ये भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो फिलहाल जो इन पे काम करने वाला है वो ये है कि इनको उठा के मुझे इस वॉल के ऊपर रखना है जहाँ पे ये अदर्स रखे हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि बारिश हो रही है, मौसम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है तो रोज़ेस में बहुत असर पड़ता है इसका। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेरे भी यहाँ पे रोज़ेस में काफ़ी सारी, ये देखो, ब्लैक लीव्स हो गई हैं। एक मैंने यहाँ से ब्रांच निकाली, वो डाईबैक की वजह से मर भी गई थी। फंगस वगैरह, इंसेक्ट्स, पेस्ट, ये सारे काफ़ी अटैक करते हैं रोज़ेस पे, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे। प्लस एक्सेस वाटर की वजह से ही ये सारी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर। तो ये हमको क्या करना है कि इनको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इनको प्रॉपर सनलाइट मिले, पूरे दिन की सनलाइट मिले। यहाँ पर भी इनको सनलाइट मिलती है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एयर का सर्कुलेशन इनका ना ख़राब हो रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे इनके आगे भी प्लांट्स रखे हुए हैं, पीछे भी प्लांट्स हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि ये वॉल के ऊपर जब मैं इनको रख देती हूँ तो इनको बहुत अच्छे से सनलाइट मिलती है मॉर्निंग से लेकर सनसेट तक की, और उसके बाद उसमें वेंटिलेशन भी अच्छी हो जाती है। तो इससे आपके रोज़ के पौधे जो है वो ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पर देखो, हनी बीज अपना काम करने में लगी हुई हैं। पास से दिखा देती हूँ आपको। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपके बहुत सारे गमले ऐसे होंगे जिसमें कि घास उग रही होगी, तो जब आपकी ये घास छोटी ही हो तभी आप इसको निकाल दें। अभी तो ये फिर भी बड़ी हो गई है, बट इससे भी छोटी हो तभी आप निकाल दो, तब आप इजीली इनको निकाल पाओगे। इसको बिल्कुल जड़ के पास से पकड़ के खींचना है। अगर आपने ऊपर से पकड़ के खींचा तो बस पत्ते पत्ते आपके हाथ में आएंगे और जड़ रह जाएगी, तो इसलिए इसको जड़ के समेत निकालना ज़रूरी है। तो इनको हटाना भी ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल यहाँ रख देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे भी खाली करने दो, कितनी सारी घास इसमें होगी है। इनको हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके प्लांट्स की एनर्जी और उसकी न्यूट्रिएंट्स जो है ये घास लेती रहेगी और आपके प्लांट्स को इफ़ेक्ट करेगी, तो इसलिए आप इनको पहले ही हटा दें। उसके बाद आपको एक काम और करना है जो कि है अपने प्लांट्स में चेक करना है किसी प्लांट में पानी खड़ा तो नहीं हो रहा। जैसे कि मेरा ये वाला जो हैंगिंग प्लांटर है, देखो कल भी इसमें बारिश हुई बट इसमें पानी जो है वो खड़ा हो जाता है। आई थिंक या तो इसके ड्रेनेज होल्स बंद हो गए हैं या फिर इसमें होल्स मैंने किए ही नहीं थे। तो इस तरीके से आपको चेक करना है अपने प्लांट्स को किसमें पानी जो है वो जमा हो रहा है, उसको हटाना है अपने। पानी हटाने से आपके प्लांट जो है वो रॉट होने से बच जाएंगे। नेक्स्ट, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो एक्सेस वाटर की वजह से ख़राब हो जाते हैं, उनको भी आप जितनी जल्दी हो सके हटा दो, क्योंकि वो फिर डीकम्पोस्ट होते रहेंगे और आपके बाकी प्लांट्स को भी ख़राब करेंगे। जिस तरीके से ये है, देखो ये सूख गया है प्लांट। ये मेरे पास बहुत सारी हो रही थी, क्या नाम है इसका, जीनियस। जीनियस बहुत ज़्यादा हो गए थे, अब ये जगह जगह लगते ही जा रहे हैं, निकलते ही जा रहे हैं, बट मैं इनको धीरे धीरे हटा भी रही हूँ। देखो इसमें फ्लावरिंग थी, फ्लावर्स छोटे हो गए बट ये काफ़ी सारे अपने आप फैल गए थे, तो इनको हटाना ज़रूरी है। इनको आप कंपोस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। एक बड़े से कंटेनर में आप इनको स्टोर कीजिए। देखिए, मैंने एक थैले में इसको सारी पुरानी जो है गार्डन वेस्ट ग्रीन कंपोस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपने ओवरग्रो
हुए प्लांट्स को प्रून कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देखो, ये मेरे पास बोगनविलिया है, हालांकि ये ग्रोथ ले रहा है लेकिन पिछले दिनों इसका गमला टूट गया था, तो मैंने एक छोटा गमला मेरे पास खाली पड़ता था उसमें डाल दिया इसको। हालांकि ये गमला इसके लिए छोटा है बट फिर भी अब मैंने डाल दिया इसमें, तो एसी में सेटल हो गया है क्योंकि बारिश आती रही तो मिट्टी उसमें सेटल हो गई। बट ये प्लांट जो है ना बहुत बढ़ रहा है, इधर उधर को देखिए, ये देखो कि ब्रांचेस बहुत बढ़ रही हैं। तो इसको हार्ड प्रून करूँगी मैं ताकि ये सर्दी आने से पहले अपने आप को फिर से एक बार ग्रो कर ले। सर्दियों में तो ये वैसे भी डोरमेंसी में रहते हैं, स्प्रिंग आने तक ही इस पर फिर बहुत अच्छे फ्लावर्स आ जाते हैं। अभी मैं इसको हार्ड प्रून कर दूँगी, हालाँकि इसकी ये देखो सब न्यू शूट्स आ रही हैं, इसमें इस तरीके से पिंक एंड वाइट कलर के सुंदर से फ्लावर्स लगते हैं। अभी तो देखो इसमें ये फ्लावर्स ही लग रहे हैं, जो जितनी इसकी नई शूट आती है ना फ्रेंड्स उसी में इसमें फ्लावर्स लगते हैं। देखो ये सब नई शूट आ रही है ना, तो इसमें फ्लावर्स लगेंगे अभी। तो आपको ये करना है कि अपने आउटग्रो हुए प्लांट्स को प्रून कर देना है। देखो इसमें भी न्यू ग्रोथ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने ट्रे रखी हुई है अपने प्लांटर्स के नीचे, जैसे कि ये बारिश की वजह से इसमें पानी खड़ा रह जाता है, तो आपको ये हटानी है, आपने इसको हटा देना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका गमला जो अगर मिट्टी का है तो सेफ़ रहेगा, नहीं तो मिट्टी पानी में इस तरीके से रह के गल जाती है, आपके गमलों को नुकसान होगा। प्लस दूसरा क्या है कि बरसात का सीज़न है, हम पानी को इस तरीके से खड़ा नहीं रहने दे सकते अपनी टेरेस पर, इसलिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से इनको खाली कर दीजिए। अगर आपका कोई प्लांट सूख रहा है तो आप उसमें डाल दो, मतलब कि अगर किसी प्लांट की मिट्टी सूख रही है तो आप उसमें डाल सकते हैं, इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ज़्यादा दिन खड़ा रहेंगे तो पानी ख़राब होगा और साथ ही साथ आपके पौधे को भी ख़राब करेगा, और उसके साथ साथ मच्छर वगैरह पैदा होंगे, वो भी अलग, वो उससे भी हमें ही नुकसान है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होंगी। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि कुछ चीज़ें हमने गार्डन में ऐसी लगाई होती है सीजनल, जैसे कि मेरे गार्डन में बीन्स लगी हैं, तो वैसे तो बरसात में अच्छी ग्रो करती हैं बीन्स, गर्मियों से लगी हुई हैं मेरे यहाँ पर, बट अब धीरे धीरे इनकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो रही है, मतलब कि इसमें जल्दी ही सीड्स बन जा रहे हैं, ये देखो। तो अब धीरे धीरे हमें अपने गार्डन को खाली भी करना है, हालांकि इसमें फ्लावरिंग हो रही है अभी भी, खाली इसलिए करना है ताकि नेक्स्ट सीज़न के लिए फिर हमारे जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। पॉट्स में खाली रहेगी मिट्टी थोड़े दिन तो उसमें न्यूट्रिएंट्स फिर से बन जाएंगे, और जब हम दोबारा से प्लांट्स लगाएंगे तो उसमें फिर अच्छे प्लांट्स लगेंगे। तो इसलिए अपने पॉट्स को खाली करना भी ज़रूरी है ताकि आप उसमें बाकी चीज़ें लगा पाएँ। नेक्स्ट सीज़न के लिए भी तैयारी करना शुरू है ज़रूरी है। अभी तो फ़िलहाल एक महीना और ऐसे बरसात चलेगी, अगस्त का महीना भी शुरू हो रहा है, बट आपको अपने गार्डन में इस तरीके से चेंजेस करने ही पड़ते हैं। जितना हो सके फ्रेंड्स अपने पॉट्स को क्लीन रखने की कोशिश करें। जितनी एक्सेस घास वगैरह उग रही है, प्लांट्स उग रहे हैं, कई बार हमने खुद ही कटिंग लगाई होती है, तो आप कोशिश करें कि अपने गमलों को ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखें। इससे क्या होगा कि आपके जो प्लांट की मिट्टी है उसमें एक्सेस मॉइस्चर अगर हो भी जाता है तो वो इवेपोरेट जल्दी हो जाएगा, आपके प्लांट्स जो है वो ख़राब नहीं होने देगा। देखो इस तरीके से काफ़ी सारे मेरे यहाँ पर प्लांट्स उग रहे हैं, तो इसलिए मेरे को इनको हटाना ज़रूरी है। देन आप कटिंग्स लगा सकते हैं फ्रेंड्स, मौसम तो कटिंग्स का ही है, कटिंग्स बहुत सारी लगाने की। इस बार मैंने बहुत ज़्यादा कटिंग्स नहीं लगाई हैं क्योंकि आपको पता है कि मेरे गार्डन में जगह नहीं है, फ़िलहाल बहुत सारे प्लांट्स हो गए हैं। कटिंग्स लगा सकती हूँ बट अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे को फिर वो प्लांट्स को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उतनी स्पेस भी मेरे गार्डन में अब नहीं है। देखो चारों तरफ से जो है वो फैल गया है, और बीच में थोड़ी सी जगह बस हमने खाली छोड़ी है ताकि एटलीस्ट एक बैलेंस बना रहे छत पे वेट का भी, और हमें थोड़ा सा मूवमेंट करने में आसानी रहे। इसलिए अदरवाइज़ मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कटिंग्स के ऊपर, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उनको चेकआउट कर सकते हो कि सीज़न में आप कौन कौन सी कटिंग्स लगा सकते हैं, किस तरीके से उनको मेनटेन कर सकते हैं। अभी आने वाले दिनों में जो कटिंग्स मैं लगाऊंगी वो है क्रिसेंथम की। क्रिसेंथम्स जो है वो मेरे पास 2-3 साल से सेव किए हुए मैंने, तो उन्हीं की कटिंग्स मैं रेडी करने वाली हूँ। देखो आप, इन्होंने अब अलग ही ग्रोथ ले ली है, इनसे ही हम कटिंग्स को तैयार करके नए पौधे बना सकते हैं। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारी क्रिसेंथम्स है, वहाँ से लेके ये सब क्रिसेंथम ही है यहाँ तक। ये वाले पॉट में भी आप देखो काफ़ी अच्छी लग रही है और ये बढ़ भी गए। इसको मैं सिर्फ ऊपर से पिंच कर दूंगी तो ये बहुत ज़्यादा फैलेगा,
तो इसलिए मैं सिर्फ यही काम करने वाली हूँ आने वाले दिनों में। बाकी ये गार्डन एज इट इज़ रहेगा, जो भी चेंजेस होंगे आप लोगों के साथ शेयर मैं करती रहूँगी। ये देखो इसकी हाइट देखो कितनी हो गई है, ऊपर ऊपर तक ये फैल रही है और ये वॉल को कवर कर रही है, जो कि अच्छी लग रही है देखने में। आप अपने कुछ गमलों को खाली भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि ये मेरे यहाँ पे तो कैक्टस भी बढ़ रहा है बरसात में। ये देखो कैक्टस की ब्यूटी देखो कितना सुंदर हो गया ये। इसके ऊपर से अगर मैं इसे हटा दूँ तो आप इसको कम्प्लीटली देख पाएंगे। ये देखो कितना सुंदर हो गया ये भी, ये भी। ये कैक्टस बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, बट हाँ ये छोटे छोटे से, इसका एक्चुअल एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं मालूम, बट हाँ मिले तो ये कैक्टस ही है। ये देखिए इसमें भी ये घास उग रही है, तो इसे हटा सकते हैं। ये काम बहुत ध्यान से करने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर इसके कांटे आपको लग सकते हैं। प्रूनिंग का फ़ायदा ये है कि फ्रेंड्स आप अपने गार्डन में जो प्लांट्स लगे हैं उनको नया लुक दे सकते हैं। यहाँ पे अभी भी हमारे पास यहाँ वाटरमेलन लगे हैं, एक दो, और वहाँ पे एक और है, तीन। तो आप अपने गार्डन को एक नया लुक दे सकते हैं। ये ग्रीन नेट है मैंने साइड में निकाल के रखी है, ताकि पानी जो है वो एक्सेस प्लांट्स में से सूख जाए। ये देखो ये मेरे पास एप्पल वेयर का प्लांट है, सूख गया था ये अब, लेकिन इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले ली है। एक और छोटू सा अनार यहाँ पर लगने लगा है फ्रेंड्स, ये देखो। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स फाइनली नींबू भी लग रहे हैं यहाँ पे अब, तो आप देखो छोटे छोटे नींबू दिख रहे होंगे आपको, देखो थोड़े से बड़े भी हो गए हैं यहाँ पर, अगर मैं दिखाऊँ आपको। ये देखो फाइनली अब जाके दो तीन साल में इसमें नींबू लग रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। थोड़ी सी टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो कि आप रेनी सीज़न में जो आपके लिए यूज़फुल रहेंगी अपने गार्डन को मेंटेन करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आप लोगों से, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस, कीप गार्डनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पर एक बटरफ्लाई है, ये देखो बिल्कुल ये कैमोफ्लाज हो गई है, और इसी के नीचे हमारे पास अमरूद लग रहे हैं दो। ये देखो यहाँ पर है एक, नीचे है यहाँ पर, और एक यहाँ पीछे की तरफ भी है, जिसको कि जल्दी हार्वेस्ट करेंगे। अभी दिख नहीं रहा आपको, इसे फ्रेंड्स जल्दी हार्वेस्ट करेंगे। बट ये बटरफ्लाई मुझे देख के ना मुझे वो लग रहा है कि भाई ये ख़राब ना कर दें। तो चलिए इसको मैं ना रहने देती हूँ, क्या कर सकते हैं, इनका भी तो यही इकोसिस्टम है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।